ओम शांति। आज रविवार के दिन हम अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज 18 फरवरी 2024 है और इस मुरली की रिवाइज डेट 31 दिसंबर 1998। आज मुरली में बाप दादा ने हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत से मुक्त कर सदा विजयी का अनुभव करो, और विशेष बाप दादा ने कहा, जो बच्चे हिम्मत रखते हैं निश्चित है कि उनकी विजय या सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको मिलना ही है। इसलिए बाप दादा नए वर्ष में अपने अति स्नेही सहयोगी बच्चों को यही वरदान दे रहे। बच्चों का उमंग उत्साह देखकर हर्षित भी हो रहे हैं कि बच्चे सदा हिम्मत के आधार से जो आगे बढ़ते रहेंगे, और हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए हर एक के परिवर्तन के लिए हमें उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, चाहे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना से हर एक में परिवर्तन आता ही है। तो आज सुनते हैं बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का हेडिंग है हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज नवयुग रचयिता बाप दादा अपने अति स्नेही सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सन्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे चाहे समीप बैठे, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस नव वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएं। चाहे स्व के परिवर्तन में चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि ये नवयुग है ही, हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है, असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का युग है।
असंभव संभव होने का युग है, इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है सफलता, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, हमारे जन्म पत्री में बाबा ने ये निश्चित कर दिया कि ब्राह्मणों को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सफलता प्राप्त होती। अधिकारी आत्माओं को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में ये विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। इस निश्चय से रूहानी नशे में उड़ते चलो। अभिमान नशा नहीं, रूहानी नशा। अभिमानी वश नशा नहीं, बाबा कहते देह अभिमान वाला नशा नहीं, लेकिन रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी ही है ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है, इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है, डबल विदेशियों को है। डबल विदेशी होशियार हैं, सबने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा, तिलक नजर आ रहा है। और भारतवासी तो है ही भाग्यवान, क्यों? भारत की धरनी ही भाग्यवान है, इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी, दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। बाबा कहते, बाबा ने कहा है भाग्यवान है क्योंकि भाग्य विधाता भारतवासी और डबल विदेशियों के लिए, दोनों के लिए, दोनों बच्चे ही भाग्य विधाता के बच्चे, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा सदा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो, हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ऐसे हो ना। सभी हाथ हिला रहे, हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हो, अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। तो कभी ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना, विजय है और सदा रहेगी। सब पक्के हैं, बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादियां बाबा माया आ गई, ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। ये रूहानी नशा इमर्ज करो। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी ये विजयीपन का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है और नशा है तो अवश्य निश्चय है, दोनों का संबंध है, निश्चय और रूहानी नशे का। इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रख,
इमर्ज रखना तो अभूल हो जाएंगे, न भूल होगी न मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया, तो ये वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है, मौज तो अच्छी लगती है ना, तो ये वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत के आए हैं कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रूरियान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सब के बीती को बिंदु लगा दिए। बच्चे नहीं लगाते, लेकिन बाबा कितना रहम दिल है, प्यार का सागर है। बच्चों की भूलों को भी बाबा कहते बीती को बिंदी लगा दी। इसलिए बीती को सोचो नहीं, अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश में विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं, इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना। भारत को नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते हैं और दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई खूब खाते खिलाते हैं, नाचते गाते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में हर घड़ी नई, हर श्वास नया, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष एक दिन भी नहीं, एक सप्ताह भी नहीं, एक मास भी नहीं, 4 मास भी नहीं, 8 मास भी नहीं, 12 ही मास, सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बाबा फिर कंफर्म कराएंगे, है ना, बांटेंगे ना। दिल खुश मिठाई बांटनी आती है, सभी होशियार हैं, तो दिल खुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे, तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। ये नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई, लेकिन ये तो नाराज हो गया। कोई हर्जा नहीं, वो राज को नहीं जानता है ना, तो नाराज हो गया। आप तो राज को जानते हो ना, तो ये राज भी जान लो
कि ये हिसाब किताब व समस्या के वश में, आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना, यहां तो हाँ बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप यहां देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो, खुश कर देते हो, कांध भी हिलाते हो और हाथ भी हिलाते हो, लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है। बाप ने जो वायदा किया है, कैसे भी लायक बनकर साथ ले ही जाना, साथ में चलना है ना? साथ चलने के लिए तैयार हैं? सभी तैयार हैं? एवर रेडी हैं? अच्छा, एवर रेडी भी हैं, बहुत अच्छा, और एवर हैप्पी भी हैं। और जब माया आ जाएगी तो पूछ रहे बाप दादा, फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई आ गई, चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना, माया नीचे रह जाए और आप ऊपर उड़ जाओ तो माया देखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली न जाए। कौन से गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत हैं, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना। फराख दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसी को कोई गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो ना, नहीं भी हो, तो कम से कम छोटी सी भी सौगात देना। वो कौन सी? शुभ भावना और शुभ कामना की। शुभ कामना करो कि ये मेरा सिकीलदा भाई या बहन, सिकीलदा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पार्ट हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कई बच्चे कहते कि हम देते हैं वो लेते नहीं है, अच्छा शुभ भावना नहीं लेते, कुछ तो देते हैं ना, चाहे अशुभ बोल आपको देते, अशुभ वाइब्रेशन देते, अशुभ चलन चलते, तो आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो? आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तन है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टी चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो, पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव में धारण करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हरेक को शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा।
और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हरे को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बार बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तभी ही भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। ये इस समय के दाता बनने की प्रलब्ध है, इसलिए हिसाब नहीं करना इसने ये किया, इसने इतनी बार किया। मास्टर दाता बन गिफ्ट देते चलो। कौन सी गिफ्ट देनी है? शुभ भावना और शुभकामना। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उनके मुख से मन से यही शब्द निकलता है, आपकी आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं ना मुबारक हो। उत्सव मनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आए तो मुख से ऐसा शब्द बोले, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो, तो जो भी आपसे मिलेगा वो सदा हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। तो सदा ऐसा बोल बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। हरेक के बोल जैसे कि रत्न हो। बाबा कहते साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वो स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रत्न हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रत्न समान हो। ऐसा मूल्यवान हो साधारण नहीं है, न साधारण हो न व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना, तो बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते। इसमें क्या होता, जो ज्यादा बोलता है ना तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है और उसमें बीज छिप जाता है। वो ऐसे समझते कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हैं ना उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है, जो वेस्ट बोल होते तो वाणी की एनर्जी भी कम हो जाती। ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। और शॉर्ट स्वीट ये दोनों शब्द सदा याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो
बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों की बचत का पोता मेल चेक करो कि कितने खजानों को हमने बचाया, कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया, कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया, गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, गुण को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया। ये है जमा करना, अपने गुणों को और शक्तियों को भी कार्य में लगाना ही जमा करना है। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब यह करना है, ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है और जमा भी करना है और मेहनत को छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं, बाप दादा को याद है, रिजल्ट लेंगे कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, ये हिसाब लेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रचयिता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये घड़ी है विदाई और बधाई की, संगम है पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार सबको विदाई, और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी है। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है, इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भाव के वरदान से मनाना है, इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना। इस वर्ष में हरेक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट भी लेनी। इसके लिए सभी विदेशी या भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकेंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दे दो। 1 सेकेंड सभी दृढ़ता सफलता है, इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। आज का बाप दादा का वरदान है, टेंशन से परेशान
दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव। टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान है, विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसी को टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं तो चलने लगता है, ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो। क्योंकि बाप दादा देखते अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है, बाहर का शो बहुत अच्छा टिप टॉप है लेकिन अंदर बहुत दुखी हैं, तो मास्टर रहम दिल बनो। स्लोगन है निर्माण बनो, कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। सूचना है आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में 6:30 से 7:30 तक विशेष अपना लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो। ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठकर ग्लोब को शांति शक्ति और पवित्रता की सकाश देने की सेवा करें। आज का व्यक्त इशारा है, बाप दादा ने देखा कि हर बच्चे की नेचर तो अपनी अपनी है लेकिन सर्व बातों में संबंध में मनसा में विजयी और सफल। वाणी में मधुरता तभी आ सकती जब नेचर इजी हो। अलबेली नेचर नहीं, इजी नेचर, अर्थात जैसा समय जैसा व्यक्ति जैसा सरकमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देना। इजी अर्थात मिलनसार। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 फरवरी 2024 की अव्यक्त मुरली के आधार से, हिम्मत के आधार से सदा विजयी बनने का योगाभ्यास करेंगे। ओम शांति। चले हम सब इस रूहानी यात्रा में सम्मिलित योगाभ्यास की यात्रा प्रारंभ करते हैं। मैं आत्मा, एक विशेष आत्मा हूं, काल चक्र के अति विशेष संगम युग के समय पर हूं। इस संगम पर मुझे डायरेक्ट विधाता द्वारा वरदान और सर्व शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। बाप दादा मेरे साथी हैं, मददगार है, हर बात में मेरी सफलता निश्चित है। कोई भी कार्य हो, चाहे स्वपुरुषार्थ हो,
चाहे विश्व सेवा हो, सफलता हुई पड़ी है। बाप दादा का वरदानी हस्त मुझ पर है, हिम्मत से मैं कदम आगे बढ़ाती जा रही हूं और बाप दादा मुझे पदम गुना मदद देते हैं। सब तरफ से मुझे सफलता मिल रही है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं बाप दादा की आभारी हूं। बाप दादा मुझे प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा मेरे मस्तक पर चमकीला विजय का तिलक दे रहे हैं। अनेक बार का सदा काल का विजय का तिलक है ये विजय, मेरी निश्चित है। मेरी सफलता की अमर यात्रा में बाधा डालने वाली माया भी सब बातों को समाप्त कर रही हूं। एक यज्ञ कुंड के दृश्य को सामने ला रही हूं। यज्ञ कुंड की अग्नि में मेरे पास की सर्व नेगेटिव वेस्ट और पुरानी बातों की आहुति दे रही हूं। बीती सो बीती, अब बिंदी लगाकर हिम्मत से नशे में उड़ रही हूं। मेरा दिल बहुत खुश है, यही दिल खुश मिठाई इस संगम युग में हरेक को बांटती हूं। किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना सबको खुशी बांटती हूं। जो भी संपर्क में आते हैं उनको कोई ना कोई गिफ्ट देती हूं। गुणों की वा शक्तियों की या वाइब्रेशन का या सहयोग का या मीठे बोल का कोई ना कोई गिफ्ट फराख दिल होकर देती हूं। मेरे एक एक बोल में संयम और स्नेह भरा हुआ है। विस्तार को सार में समाते शॉर्ट और स्वीट बोलती हूं। एनर्जी बचाने वाले बोल बोलती मेरे बोल साधारण नहीं, हीरे तुल्य बोल है। दुआएं देने और लेने वाले बोल हैं। सबका दिल खुश करने वाली अगर किसी ने कोई भी कारण से मेरी दिलखुश मिठाई
उस समय नहीं स्वीकार की, तो भी मैं दिल शिकस्त नहीं होती हूं। अंदर से शुभ भावना और शुभ कामना देती हूं, वो भी मेरा सिकिलदा भाई या बहन है, वे भी खुशी से उड़ते रहें, उन्नति को पाते रहें, यही भावना रखती हूं। दाता की बच्ची हूं तो दाता बन देती चलती हूं। मेरे शुभ सोच, शुभ व्यवहार, शुभ बोल से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करती हूँ। एक दृश्य को सामने ला रही हूँ, मैं ग्लोब पर योग मुद्रा में हूँ। शिव बाबा की तेजोमयी चमकीली किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मेरे चारों ओर शक्तिशाली पवित्र आभा मंडल बन गया है। अगर किसी के भी अशुभ बोल या अशुभ वाइब्रेशन या अशुभ चलन मेरे तरफ आते हैं, तो मेरे चारों ओर बने तेजोमय लाइट के कार्ब से वो नेगेटिव भी पॉजिटिव में परिवर्तन होता जा रहा है। हर एक को, हर परिस्थिति को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाली मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। हिसाब नहीं करती हूं कि इसने ये किया, इसने इतनी बार किया। मास्टर दाता बन सबको दिल खुश गिफ्ट देती हूं। इस श्रेष्ठ कार्य के कारण बाबा ने मेरा 21 जन्मों का राज्य अधिकार गारंटी किया है। मैं विजयी आत्मा सदा इसी उमंग और उत्साह में रहती हूं। बाबा के साथ और हाथ से हिम्मत से रहती हूं। सदा इसी उमंग और उत्साह से आगे बढ़ रही हूं। ओम शांति शांति ओम शांति।